मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। अभी लास्ट टाइम मार्च में इन्होंने आईएसपीआर ने कहा जी कि फौज ने डिसाइड कर दिया कि हम सियासत से बाहर हो गए, तो वो कहां गई वो डिसीजन यार? मेहरबानी करें देखें, कंपनी हमारी कंपनी है, अगर ये पाकिस्तान की दिफा के लिए काम करें, ये सियासतदानों को तोड़ना, ये वीडियो बनाना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराना, ये इनका काम तो नहीं है। पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? पीटीआई जो है आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है, ये तमाम बदख्वाह जो हैं और तमाम ये लोग मिलकर भी इसका बाल बेका नहीं कर सकते। इसके पीछे पाकिस्तान के करोड़ों आवाम कड़े हैं, और अगर इन्होंने पीटीआई को देखे, पीटीआई को ये कानूनी तौर पे इंतजामी तौर पे इनके खिलाफ कोई भी अमल कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के आवाम इलेक्शन में दांधली हो, पीटीआई को इन्होंने डिस्क्वालीफाई करना हो, इन तमाम के लिए हम तैयार हैं, और प्लान बी भी हमने इंशाल्लाह। कोई खदशा नहीं है, कोई थ्रेट वगैरह है? आप ये बयान दे चुके हैं कि आप फैमिली ऑलरेडी बाहर शिफ्ट कर चुके हैं, आप भी हो सकता है कि बाहर चले? देखिए मैं तो थ्रेट्स तो बाय डिफॉल्ट सबको है ना, हर एक अंडर थ्रेट है जो पीटीआई के साथ खड़ा है। फैमिली मैंने शिफ्ट की है, क्योंकि एक वाइज चीज होती है जिसपे बंदा ये हो सकता है। बाकी जो है, मैं वकील हूं, और तमाम वकीलों की कबील वो ऐसी, हमें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के, पॉलिटिशियन के, सियासतदानों के, पुलिस के क्या अख्तियार आते हैं, तो लिहाजा जहां पे वो अख्तियार से तजावुज करते हैं हम इसको मान ही नहीं सकते हैं, तो डर किस चीज का? और ये वकीलों में यही तो बात है जो वकीलों को मुमताज करती है, और इंशाल्लाह इस चीज के खिलाफ यूनाइटेड आवाज वकला की उठेगी। जो जज साहिबान इंसाफ नहीं कर सकते हैं वो अपने ओथ को पामाल कर रहे हैं। इंसाफ करने का उन्होंने ओथ लिया हुआ है, और ओथ ऐसे दिन के लिए लिया जाता है जहां जोरवर के खिलाफ जो हैं, जो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, एबीसी जो भी हो, खुदा के लिए कुर्सियां छोड़ें और जाएं घरों में। वकला तहरीक कब से शुरू कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं वकला तहरीक? इंशाल्लाह जिस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रही है, हम तो ये चाहते हैं कि ये वकला की पकड़ दकड़ शुरू करें, ताकि वकला की तहरीक जो है जरा जल्दी से तेजी से इसको मोमेंटम। लीड कौन करेगा, लीड कौन करेगा वकला तहरीक को? जो पहले 2007 में लीड किया था वही एतजाज साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब, अली अहमद कुर्द साहब, और जो भी हमारी उस वक्त की कियादत थी। एतजाज और लतीफ खोसा को पीटीआई वेलकम करेगी अगर वो आएंगे? एतजाज और लतीफ खोसा ऐसे दो अशख़ास हैं कि उसको पीटीआई जो है वो गले लगाएगी। उनकी शख्सियत, उनकी कदर, उनकी मंजिलत, वो तो एक अल्लाह का एहसान होगा पीटीआई पे। तो मैं तो वकील हूँ बेसिकली, लेकिन चूंकि बहुत सारी पीटीआई के जो केपी के लीडर्स हैं वो क्लाइंट्स थे या दोस्त हैं, या आजकल पीटीआई के मामलात को हम देख रहे हैं।